तो सो गाइस सबसे पहले आप साइड पे ही आप देख सकते हो व्यूज का प्रूफ। ठीक है, आप लोग बहुत बोलते हो यार मेरा रील्स वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं यार, मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा, आप लोगों को सही तरीका बताऊंगा कि आप लोग कैसे अपलोड करके कौन सा ट्रिक लगाओगे कि आपका रील्स वीडियो वायरल होगा। देख सकते हो इस पेज पे सिर्फ मैंने एक रील्स को अपलोड किया और इस पे 1.1 मिलियन व्यूज भी आ गए हैं। ठीक है, तो मैंने अपने रील्स पे ऐसा क्या किया जो कि गाइस मिलियंस में व्यूज आ गया। और आज के डेट पे फॉलोअर्स चेक कर सकते हो, 49K इस पे फॉलोअर्स है और इस पे व्यूज 1.1 मिलियन आ गए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ अच्छे से बताऊंगा कि कैसे आप अपने रील्स वीडियो को वायरल कर सकते हो। लाइक आप भी बहुत दिनों से यार परेशान हो चुके हैं कि भाई मेरे रील्स वीडियो पे 1, 2, 10, 15 इस तरीके से व्यूज आ रहा है, तो मैं क्या करूं जो मेरे रील्स पे अच्छा मेरे। और मैं बता देता हूं कि बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि भाई मेरे रील्स वीडियो पे अच्छा रहता है, मतलब वो जो मेरा कंटेंट रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, अगर वो कंटेंट कोई और अपलोड करता है तो उसके कंटेंट पे व्यूज आता है, बाकी अगर मैं सेम उसी रील्स को डाउनलोड करके अगर डाल दूं तो मेरे रील्स वीडियो पे व्यूज नहीं आता। और ये जो मैंने आपको व्यूज दिखा रहा हूं, मैं ये कॉपी पेस्ट किया हूं। बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई कि आपका रियल होगा, मेरा रियल नहीं है, ये कॉपी पेस्ट है। ठीक है, और कॉपी पेस्ट करके देखो मैंने 1.1 मिलियन व्यूज भी किया। और मैं बता देता हूं कि अभी के टाइम पे एड ऑन रील्स से बहुत ही अच्छा खासा इनकम भी हो रहा है और बहुत लोग कर भी रहे हैं, और लाइक आपका भाई भी अच्छा खासा इनकम कर ले रहा है। ठीक है, बहुत ही जल्द मैं अपना एड ऑन रील्स का भी आपके सामने अर्निंग भी रिवील करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कैसे आप अपने रील्स वीडियो को यहां पे वायरल करोगे। ठीक है, वायरल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपलोड कैसे करते हैं वो सीखना होगा। लाइक उसके बाद में बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा चीज को फॉलो करना है, अगर उस चीज को आप फॉलो करते हो तो 100% आज नहीं कल आपका रील्स वीडियो भी वायरल होगा। तो आप लोगों को क्रिएट रील पे क्लिक करना है, आपको कोई भी एक रील ले लेना है। ठीक है, जैसे कि मैं एक ये रील ले लेता हूं एंड यहां पे सबसे पहले मैं साउंड को बंद कर देता हूं एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, और ये रहा हमारा रील। ठीक है, और हम लोगों ने इस रील को यहां पे सारा कुछ कर लिया। अभी देखो यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि कभी भी रील्स को आप डालो तो हमेशा फेसबुक ही ऐप से डालना। ठीक है, ये नहीं कि क्रिएटर स्टूडियो और क्रोम ब्राउजर, ये सबसे कभी मत अपने रील्स को डालना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जब भी फेसबुक से डाला है तो उस पर अच्छा व्यूज आता है। ठीक है, और मैं अगर क्रिएटर स्टूडियो से डाल दूं तो उस पर ज्यादा व्यूज ही नहीं आते, एक तरीके से बोल सकते हो कि व्यूज ही नहीं आते। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपलोड करना है तो फेसबुक ऐप से करना है, तभी आपका वीडियो पे व्यूज आएगा और तभी आपका वीडियो वायरल हो पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो यार हम लोगों ने वीडियो ले लिया है एंड वीडियो का हमारा आ जाता है टाइटल। देखो टाइटल आप लोगों को अगर आपका पर्सनल वीडियो तो इंपॉर्टेंट करता है। ठीक है, अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो उतना टाइटल इंपॉर्टेंट नहीं करता है, बाकी अगर वीडियो को वायरल करना है तो थोड़ा यूनिक टाइटल आप लोगों को लगाना होगा। ठीक है, बाकी बात मैं यहां पे कुछ नहीं लिखता हूं। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। ठीक है, तो यहां पे मैं सबसे पहले YE कर देता हूं। ठीक है, एंड मैंने टाइटल देखो सिंपल सा लिखा है, ये क्या है। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे स्माइली इमोजी पे आके कोई एक इमोजी कुछ इस तरीके का लगा देता हूँ। ठीक है, एंड मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, एंड कुछ हैशटैग यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रील्स एफवी। ठीक है, यहाँ पे मैं वायरल रील्स लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं वायरल वीडियो। ठीक है, दो तीन आप लोगों को हैशटैग लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया फेसबुक। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ फेसबुक। ठीक है, अब यहाँ पे फेसबुक लिखने के बाद फेसबुक यहाँ पे रील्स लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा आ चुका है। ठीक है, फेसबुक रील्स वीडियो यहाँ पे लिख दिया मैंने, 2 से 3 यहाँ पे हैशटैग लगा दिए। बाकी और लगाने के बाद अभी देखो नीचे यहाँ पे कितना सारा ऑप्शन आ रहा है, टैग पीपुल, लोकेशन, एड टॉपिक, टैग बिजनेस पार्टनर, बूस्ट रील। ठीक है, आप लोग सी मोर पे और देखोगे तो स्टार यहाँ पे इन्हें वाले अर्न मनी यहाँ पे देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करूंगा। आप लोग ये गलती करते हो कि बहुत लोग क्या करेंगे कि रील्स डाल रहे तो लोकेशन डाल देंगे अपना, टैग पीपुल में किसी को टैग कर देंगे, तो ये सब करने से कोई भी फायदा नहीं है और व्यूज भी नहीं मिलेंगे। अगर आप टैग कर दोगे बड़े बड़े क्रिएटर को तो क्या लगता है आपको व्यूज मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। देखो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस ये दो काम कर देने के बाद आप लोगों को शेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जस्ट शेयर नाउ पे क्लिक करोगे तो ये आपका जो रील्स रहेगा ये पोस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको कुछ टाइम तक वेट करना है, जस्ट पोस्ट हो जाएगा। और अभी आप लोग बोलोगे कि भाई आपने तो ट्रिक बताया ही नहीं,
तो देखो मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है कि ग्रुप पे शेयरिंग करना है। जैसे आप रील्स को डाल देते हो तो छोटे छोटे ग्रुप पे आप रील्स को शेयर करना है। अब बोलोगे भाई मैं ग्रुप को कैसे लाऊंगा, तो मैं बता देता हूं कि फेसबुक पर ही आपको बहुत सारे ग्रुप देखने के लिए मिल जाएंगे। जस्ट आपको सर्च करना है जिस भी टॉपिक से आपका मतलब वीडियो, जैसे कि मेरा कोई भी रील्स वीडियो रहता है फनी टाइप का, तो मैं फनी ग्रुप को ढूंढूंगा। जब ढूंढने के बाद अपने मतलब कुछ पांच से, जैसे कि अभी मैंने पोस्ट किया तो एक से दो घंटा के बाद शेयरिंग कर दो आप लोग, ठीक है। मतलब एक दो घंटा तक देखो कि उस पर व्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं। देखो लॉन्ग वीडियो रहता है तब तुरंत शेयर कर दो, ठीक है। अगर शॉर्ट वीडियो रहता है तो देखो शॉर्ट वीडियो पे अभी फेसबुक खुद रिकमेंडेड कर रहा है, ठीक है, और खुद ही खुद वायरल हो जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को एक दो घंटे तक वेट करना है, जस्ट अगर वो वायरल नहीं होता तब आप लोगों को ग्रुप पे शेयरिंग करना स्टार्ट कर देना। जस्ट शेयरिंग करने के बाद भी देखना है कि व्यूज आ रहा है या फिर नहीं। इस तरीके को फॉलो करके 15 से 20 दिनों तक आप लोगों को फॉलो करना है। जस्ट जैसे ही आप 15 से 20 दिनों तक फॉलो कर लेते हो, 100% मैं बता रहा हूं कि गाइस 15 से 20 दिनों के बाद आपको जरूर रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लाइक आपको एड ऑन रील्स भी मिलेगा। अगर अभी तक आप लोगों को एड ऑन रील्स नहीं मिला है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक है कि कैसे आपको एड ऑन रील्स मिलेगा। अगर आप रील्स वीडियो को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो और कॉपी पेस्ट करके अर्निंग करना चाहता हूं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दिया हूं, तो उसका भी रिगार्डिंग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइस आई होप ये मेरा वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर देना, एंड मेरे चैनल पर नए हो तो यार चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। चलो बाय बाय, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।